नमस्ते। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, डायबिटीज, एसिडिटी, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक या स्ट्रेस, इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप इस आसन को जरूर ट्राई करें। शवासन, जिसे हिंदी में नितासन और इंग्लिश में कॉर्प्स पोज कहते हैं। शव यानी कि डेड बॉडी एंड आसन यानी कि सीट और पोस्चर, यानी कि एक ऐसा आसन जिसमें हमारा शरीर एक मृत देह की तरह दिखता है। दिखने में बहुत ही आसान लगने वाला आसन अगर हम सही तरीके से करें तो ये बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले योगा मैट पे पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी हो। हाथों को बॉडी से थोड़ा दूर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। आंख बंद कर दीजिए और धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। बॉडी के हर पार्ट को फील करना है और रिलैक्स करते जाना है। शुरुआत पैरों के अंगूठे से करें, उसके बाद फिंगर्स, टो, लेग, नी, थाई, पेल्विक एरिया, पाम, हैंड, स्टमक, चेस्ट, नेक और फेस के भी सभी अंग को फील करना है, जैसे कि चिन, ईयर, नोज, फोरहेड, चेक, लिप्स, आईज और स्कल। इसी तरह पूरा ध्यान देते हुए वापस नीचे की ओर आए। शवासन सभी आसनों को करने के बाद किया जाता है ताकि शरीर को विश्राम मिल सके। जैसे जैसे आप बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करते जाएंगे, वैसे वैसे बॉडी की थकान दूर होती जाएगी। अब अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की ओर केंद्रित करें। सोचिए कि जैसे ही आप सांस ले रहे हैं तो वह पूरे शरीर में फैल रही है और आपको और ज्यादा ऊर्जावान बना रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो शरीर पूरी तरह से शांत हो रहा है। ध्यान सिर्फ अपने आप पर और बॉडी पर ही रखें, कुछ और सोचना नहीं है और याद रहे सोना बिल्कुल नहीं है। कुछ देर इसी अवस्था में रहे। अब धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए और हाथ और पैरों को नॉर्मल पोजीशन पे ले आइए और धीरे से राइट करवट लेके हाथों का सहारा लेके बैठ जाइए। शवासन हमारे शरीर के ऊर्जा स्तर को, एकाग्रता को और मेमोरी को बढ़ाता है, शरीर को शांत करता है और तनाव से राहत देता है। शवासन मेडिटेशन को भी बहुत ही इजी बना देता है, क्योंकि काफी सारे रोग का कारण स्ट्रेस है और शवासन से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इसलिए शवासन से काफी सारे रोग में राहत मिलती है। शवासन वैसे तो सभी कर सकते हैं, पर अगर आपको पीठ के बल लेटने से दर्द होता है या फिर डॉक्टर ने पीठ के बल लेटने से मना किया है तो इस परिस्थिति में शवासन ना करें। धन्यवाद।